बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर और परफेक्ट कपल्स में नाम शुमार है माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी का। ये प्यारा सा कपल साल 1999 में 17 अक्टूबर के दिन शादी के बंधन में बंधा था। वहीं आज भी इस कपल का प्यार बरकरार है। माधुरी और डॉक्टर श्रीराम नैनी के दो बेटे हैं रियान और अरीन। अपने बच्चों के साथ बेहद खुशहाल और आलिशान जिंदगी बिता रहे हैं। जहां एक ओर माधुरी और डॉक्टर श्रीराम नैनी एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अक्सर दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर तमाम बातें शेयर करते हुए देखे जाते हैं अपने इंटरव्यूज में। वेल, दोस्तों बताना चाहेंगे आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, जब माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी के साथ शादी को लेकर अपने दिल की बात कही थी। जी हाँ, दोनों ही अरेंज मैरिज किए हैं और अरेंज मैरिज को लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। जहां एक ओर पेरेंट्स लव मैरिज को समझने के साथ साथ स्वीकार करने में काफ़ी समय लेते हैं, तो वहीं अरेंज मैरिज को प्राथमिकता दी जाती है ज़्यादातर जगहों पर। ऐसे में देखा जाए तो माधुरी दीक्षित ने अपनी अरेंज मैरिज को लेकर बहुत ही प्यारी बात कही थी। माधुरी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोग कहते थे कि अरेंज मैरिज है, हालांकि हमारी मीटिंग सिर्फ परिवार की तरफ से कराई गई थी, लेकिन आखिर हम दोनों ने ही शादी का फैसला लिया था। हम दोनों मिले, एक दूसरे के साथ कई बार बाहर गए, हमने कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी के लिए मान गए। माधुरी दीक्षित की ये बात उन लोगों को मोटिवेट कर सकती है जो अरेंज मैरिज को लेकर अक्सर डरे और सहमे रहते हैं। माधुरी दीक्षित ने अपनी शादी को बखूबी निभाया है और आज भी डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी के साथ अपने इस रिश्ते को निभा रही हैं। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के बीच तस्वीरें वीडियो शेयर करते हुए नज़र आते हैं और फैंस के बीच अपने प्यार को एक दूसरे के प्रति जाहिर करते हुए भी देखे जाते हैं। वेल, दोस्तों आप क्या कहते हैं माधुरी और श्रीराम नैनी के इस खूबसूरत प्यार भरे रिश्ते के बारे में? 22 साल हो चुके हैं दोनों की शादी को, लेकिन आज भी ये प्यार बरकरार है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।